इस्लाम जो है वो असरी और दीनी तालीम में कोई फर्क नहीं करता इस्लाम असरी और दीनी तालीम में कोई फर्क नहीं करता देर इज नो डाइकॉटमी बिटवीन रिलीजियस नॉलेज एंड सेक्यूलर नॉलेज यकीन मानिए और अगर आपको इल्म हासिल करना है तो दो ही रास्ते हैं आपके या तो आप इल्म हासिल करेंगे वही के ऊपर तदब्बर करके यानी कि रेवलेशन के ऊपर तदब्बर करके और या फिर आप इल्म हासिल करेंगे क्रिएशन के ऊपर तदब्बर करके तो रेवलेशन वही भी अल्लाह की है और क्रिएशन तख्लीक़ जो है वो भी अल्लाह की है ये बात समझ लीजिए आप कि जो भी इल्म हम हासिल करते हैं या तो हम अल्लाह क्रिएशन के ऊपर गौरव फिक्र करते हैं तदब्बर करते हैं या फिर हम अल्लाह ताली की जो किताब है कुरान और हदीस है उस पर तदब्बर करते हैं उस पर गौर विक्र करते हैं तो ये दो जो झराए हैं गौरव फिक्र करने के यहीं से इल्म हासिल होता है तो जैसे कि मैंने कहा कि दीनी और असरी सेकुलर और रिलीजियस नॉलेज में कोई फ़र्क नहीं है एक शख्स था वो किताब पढ़ रहा था तो उसका दोस्त आया उसने कहा कौन सी किताब पढ़ रहे हो तुम तो? उसने कहा मैं तौहीद पर किताब पढ़ रहा हूँ उसने कहा दिखाओ उसे किताब दी उसने खोला उसने कहा तो ये तो बायोलॉजी की किताब है और तुम कह रहे थे मैं तोहिद पर किताब पढ़ रहा हूँ उसने कहा हाँ उसने कहा जितना ही मैं बायोलॉजी के, के बारे में पढ़ता हूँ इंसान के जिस्म की पेचीदगी के बारे में पढ़ता हूँ उतनी ही मेरी तोहद मजबूत हो जाती है उतना ही मेरा यकीन अल्लाह पर हो जाता है ये जो फ़र्क है दीनी और असरी तालीम का जो फ़र्क है ये दुश्मनाने इस्लाम ने क्या किया इस फ़र्क़ के ज़रिए कि अगर कोई इंसान सेकुलर एजुकेशन इख्तियार करता है उसका रास्ता अपनाता है तो उसका क्या होता है वो इतना मादाप्रस्त हो जाता है कि उसका दीन से कोई सरोकार नहीं होता और अगर इंसान चाहता है कि वो दीनी तालीम हासिल करे तो उसके करिकुलम के अंदर दुनियावी तालीम का ना होने की वजह से वो बिल्कुल ही दुनिया से कट जाता है और अगर हम देखते हैं कि पुराने जो स्कॉलर्स थे आठवीं सेंचुरी से बारहवीं सेंचुरी के दरमियान तो वो लोग जो थे वो एस्ट्रोनॉमर्स थे जोग्राफर्स थे डॉक्टर्स थे और उसके साथ ही साथ वो लोग मोहदसून भी थे मुफसरून भी थे फकीर भी थे तो ये जो फर्क है दीनी और असली तलीम का जो फ़र्क ये होने की वजह से आज हमारे पास पॉली मैथ्स नहीं है पॉली मैथ्स किसे कहते हैं ऐसा इंसान जो मल्टीपल फील्ड्स में माहिर हो एक से ज़्यादा फील्ड में महारत रखता हो तो वो पॉली मैथ्स अब प्रोड्यूस नहीं होते जिसकी वजह से आज आपको आलिम बनना है तो आप सिर्फ उसी लाइन में जा सकते हैं और दूसरी जो दुनियावी तालीम है उससे आप जो है बिल्कुल कट जाते हैं